परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। द्विदलघमावद्ये बद्धसङ्गीतसमुद्रं दृश्यमे गातं साधकानुग्रहार्थं श्रुतिश्रीमान्तं बोधमार्तण्डमूर्तिं शमित्यमीरशोकं श्रीगुरुं भावयामि हृत्यं विजयकर्णिकमधस्थं सिंहासने श्रीपद्यमूर्तिं ध्यायेत्कुञ्जं शिक्षापकार चित्पुस्तिका विष्टवरं विहारं श्रीगुरुशरणकपुरेभ्यो नमः ध्यायामि। आज के दिन यहाँ भंडारा में भंडारा साधकों के कहने पर हमने यह शिविर दिया। जब शिविर के लिए ठाकरे जी और उनके सभी साथी आए थे तो बोले कि गुरु जी कौन सी साधना इस बार आप देंगे। बहुत विचार में रहा कि आज तक कौन सी साधना नहीं दी, नई साधना कुछ भी प्रदान करेंगे, ऐसा सोच रहा था। फिर भी मैंने ठाकरे को कहा आप जाओ, मैं जाने के बाद कौन सी साधना मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो एक दिन रुको मैं साधना आपको बतलाता हूँ। बात यह हुई कि उस दिन रात में माता जी के कोई रिश्तेदार थे, उनका बच्चा बहुत बीमार था, उनको हमारे पर बहुत विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आकर एक बार हॉस्पिटल में बच्चे को देखकर जाओ, शायद वो ठीक हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब रहे माता जी के भी संबंध है, तो मैंने कहा ठीक है हॉस्पिटल जाएंगे। हम हॉस्पिटल गए, वो बच्चों का दवाखाना था। देखते क्या है कि बहुत सारे बच्चे, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई झूले में डाला हुआ है, सभी यहाँ या वहाँ वायर लगाए हुए हैं, सब जिधर उधर सुइयाँ लगाई हुई है, कोई ग्लूकोज चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ा रहा है। हम उस बच्चे के पास गए जो माता जी के रिलेशन में थे, छोटा बच्चा था, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो वो जो उनकी माँ थी, उनके रिलेशन थे, माता जी को पकड़ कर रोने लगे और कहने लगे देख बेटा कितना छोटा बच्चा है, उसको सारे किसी तरह चुभे हुए हैं, उसका क्या होगा, तेरे पति को बोलना कि इसको अच्छा ठीक कर दे। मैं प्रश्न में पड़ गया, अरे यार कहीं भी कोई भी आता है कुछ भी हुआ गुरुजी कुछ करो ना ठीक हो जाएगा कुछ करो ना। मैंने देखा, पत्नी भी मेरे तरफ देखी और बाद में उस बच्चे को देखने के बाद माताजी की आंखों में भी आंसू आए। अब माताजी की आंखों में आंसू देखने के बाद तो दया आती आई। फिर मैंने देखा कि क्या, माताजी ने कहा कितने बच्चे देखो कैसे सब कैसे पड़े हुए हैं। मैं बोला अब मैं आने के बाद बहुत देर विचार करता रहा कि अरे यार ऐसा रहे होने पर हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो कुछ भी है, कुछ भी पूजा वगैरह है मैं ज़रूर करूँगा, देखकर बता देता हूँ कि क्या करना है। हम वहाँ से आए, आने के बाद रात में श्रीमद देवी भागवत निकालकर पढ़ रहा था। श्रीमद देवी भागवत पढ़ते हुए एक घटना ऐसी आई कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो उनके पोते जो थे धृतराष्ट्र पांडु और इनकी शादी करनी थी। धृतराष्ट्र अंधे रहने के कारण कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, पांडु द्रावीद थे उनके लिए भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भीष्म को वंश की वृद्धि के लिए शादी कराना ज़रूरी था। तो उन्हें पता चला कि अंबिका अंबालिका और ये धृतराष्ट्र और उनके अपने सत्यव्रत नाम के उनको अंबा अंबालिका और ये वधुओं का स्वयंवर हो रहा है। तो भीष्म ने कहा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उस राजा को अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं तो उन बच्चों को उठा के लाकर यहाँ कुरुवंश की वृद्धि के लिए मैं उनकी शादी करवा दूँगा। अब वो विचित्र वीर राजा थे, उनकी शादी होनी थी। भीष्म उस स्वयंवर की जगह गए और उस राजा से कहा कि जो मुझमें युद्ध से जीतेगा वो इन लड़कियों से शादी करेगा, नहीं तो मैं इन लड़कियों को ले जा रहा हूँ। सभी को उनकी वीरता के प्रति सभी को ज्ञान था कि वो कितने वीर थे, कैसे थे। और उनने कहा कोई भीष्म के विरुद्ध उठकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। भीष्म ने उस राजा के सामने उन तीनों लड़कियों को उठा लिया, अपने रथ पर बिठाकर लेके आए
और उस विचित्र वीर्य जो उनके सत्यवती के पति या सत्यवती के बेटे थे उनसे शादी करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की और आए और शादी संपन्न करवा दी। शादी संपन्न करवा दी तो अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये तीनों भी बहुत क्रोधित हो गए कि इन्होंने अपने भुजबल पर केवल यह भी नहीं देखा कि हमारे हमारी इच्छा क्या है, हम क्या उनसे कैसा शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, ये इच्छा भी उन्होंने देखी, हमारे को उठा के लगा और ज़बरदस्ती शादी संपन्न करवा दी। अंबिका और अम्बालिका की शादी हुई तो लेकिन अंबिका एक शादी न करते हुए वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और तपस्या को चले गई और उन्होंने कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ भीष्म कि तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी क्योंकि तुमने हमारे पर ज़बरदस्ती की है और जीवन भर वो लोग कोसती रही कि तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध तुमने शादी करवाई है, ऐसी कोसती रही कि तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। भीष्म वीर थे, उन्होंने उस बात को उतना ध्यान नहीं दिया, कहा मुझे कौन मार सकने की, मैं तो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाला हूँ, जब इच्छा चाहता हूँ तब मरूंगा, मुझे कौन मार सकता है और इनका शाप मुझे क्या काम कर सकता है। भीष्म के गुरु परशुराम थे इसलिए उनको उतना ये नहीं था कि मुझे कोई बिगाड़ मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उनका जो कोसना था अंबिका अम्बालिका का और भीष्म जब युद्ध में पूर्ण तरीके से जब अंबिका शिखंडी के रूप में आकर रथ में खड़ी हो गई तो भीष्म ने कहा था कि मेरे सामने अगर कोई नपुंसक आकर खड़े हो जाता है तो मैं मेरे धनुष और बाण को छोड़ दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण को यह ज्ञात था और कृष्ण ने उस शिखंडी को जो नपुंसक थी उसको रथ पर आकर खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह ने अपने बाण धनुष बाण दोनों भी छोड़ कर रख दिए। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखता क्या है, चल बाण मार उनको। अर्जुन ने भीष्म को बाण मारे, भीष्म इच्छा मृत्यु को चाहते थे, इतने बाण मारे कि उनको देखकर वो नीचे गिरे तो बाणों की शैया पर गिरे, इतने बाण उनके शरीर को लगे हुए थे। तो उस बाण की शैया पर सोते हुए कृष्ण को देखकर कहते हैं कि हे कृष्ण, इतना इच्छा मृत्यु वाला मैं, इतना दार्ढ्य रहने वाला मैं, इतना वीर मैं, इन बाणों के नोकों पर सोया हूँ, सारे बाण मुझे चुभ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, अगर आप कुछ न माने तो मैं एक बात बता देता हूँ। क्या? कि तुमने जब अम्बालिका और अंबिका को उठा के लाया था तो वो अपने मन से तुम्हें शाप दे रहे थे, कोस रहे थे और ये कोसना ही चुभना है और जो अकारण हो, बिना कारण के किसी को कोसता है तो उसके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कांटा चुभता ही है और उसे शूल कहा गया है। शूल का मतलब है कांटा, कांटा का मतलब है चुभना और कांटे का काम ही होता है कि वो चुभते रहता है, चाहे वो बाण हो, कांटा हो, सुई हो, कुछ भी हो, चुभते रहता है। भीष्म पितामह ने कहा तो क्या, तो उन्होंने कहा कि वो उनके जो बाण रूपी शूल थे वो तुम्हें आशूल चुभकर इस बाणशैया पर तुम्हें निद्रित कर रहे हैं और तुम उस बाणशैया पर हो और वो तुम्हें उनके कोसे हुए वो बाण वो आज भी तुम्हें दुख प्रदान कर रहे हैं और तुम्हें एक चाहे तो तुम्हें फूल की शैया पर भी सुलाकर तुम्हारी इच्छा मृत्यु दे सकते थे लेकिन तुम्हें बाण की शैया पर इसलिए सुना उड़ा क्योंकि उनकी कोसी हुई वो बातें तुम्हें आज चुभ रही है और वो चुभेगी। तो इसके पीछे जब मैंने देखा कि भीष्म जैसा पितामह, परशुराम का शिष्य और इच्छा मृत्यु पाने वाला जब किसी के कोसने पर उनकी कांटों की शैया पर उसे सोना पड़ता है तो आज जो ये बालक यहाँ सुइयों के चुभे हुए बैठे हैं तो इन्होंने भी कोई ऐसी कोसने वाली बात गर्जन में की होगी तब इनको ये सुइयाँ चुभाई जा रही हैं। आज मेरे पास यहाँ सब लोग आप जो बैठे हुए हैं कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो मेरे को आज तक सुई नहीं चुभी हो, यानी कांटा का इंजेक्शन नहीं लगा हो, कोई भी एक आदमी। क्यों? क्योंकि हमने इस कलयुग में हम ऐसा कभी कोई दिल नहीं है कि हमने किसी को कोसा, अकारण किसी को गाली ना दी हो, अकारण किसी को चुभा ना हो, अकारण किसी को बात ना कहो, हर एक को सुई लगी हुई है, हर एक को शूल चुभा हुआ है, हर एक को शूल लगा हुआ है। तो इस शूल को लगने के कारण क्या करना चाहिए? और उसमें कृष्ण कहते हैं कि पूरे युद्ध में कृष्ण तुम भी तो थे लेकिन तुम्हें एक बाण भी नहीं लगा, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि मैं अकारण किसी को कोसा नहीं इसलिए मुझे बाण लगा नहीं।